बाजार में मेरा सेमिनार होने वाला, पहला सेमिनार होने वाला है, और कब होने वाला है? 21 अक्टूबर। सो सिटी याद रखो गया, डेट याद रखो 21। और किसको कॉन्टेक्ट करेंगे? हमारी दोस्त है नाम है स्वाति गुप्ता, उनके नंबर क्या है? 9807423411। उनका एक और नंबर है 9807147233। सो प्लीज सिटी गया डेट 21 अक्टूबर मेरा सेमिनार है। रात कस्बे के एक मकान में संचालित सेक्स रैकेट के विरोध में मोहल्ले के दर्जनों महिलाओं पुरुष ने काटा हंगामा। मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस, घटना रात कस्बे के गुलाब नगर मोहल्ले की है। नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा शर्मा। आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। हमीरपुर जनपद निराट कस्बे के गुलाब नगर मोहल्ले में दो महिलाओं के द्वारा जमकर जिस्म फरोशी के धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। इस अवैध काम को संरक्षण देने में कोतवाली के कुछ सिपाही का नाम भी शामिल है। आज मोहल्ले के दर्जनों महिलाओं व पुरुष ने जिस्म फरोशी के धंधे के विरोध में मोर्चा खोलते हुए जमकर बवाल मचाया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझा बुझा कर शांत किया। मोहल्ले के निवासी मुन्नी, जमुना व रोशन व रिहान सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि मोहल्ले के एक मकान में रहने वाली दो महिलाएं काफी दिनों से लगातार जिस्म फरोशी के धंधे को अंजाम दे रही हैं। बताया कि उक्त महिलाओं के मकान में प्रतिदिन दर्जनों लोग आते हैं और बताया कि जिस्म फरोशी के लिए आने वाले आवारा लोग कभी कभी उनके घरों में भी घुस जाते हैं। बताया कि उक्त महिला नाबालिग बच्चों को भी अपने जाल में फंसा कर उनसे हजारों रुपए ऐंठती है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि उक्त महिला के द्वारा मोहल्ले में जिस्म फरोशी का धंधा करने से पूरे मोहल्ले का माहौल बिगड़ा हुआ है तथा मोहल्ले में आवारा किस्म के लोग घूमते रहते हैं। इलाके के नागरिक ने बताया कि इस तरीके से खुलेआम अवैध काम होने से उन लोगों को जीना दुश्वार हो चुका है। बताया कि स्थानीय पुलिस को जिस्म फरोशी के धंधे की पहले भी कई बार सूचना दी गई, लेकिन कोतवाली के कुछ पुलिस कर्मी भी उक्त धंधेबाज महिलाओं को संरक्षण देकर उनके यहाँ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। मोहल्ले वासियों ने इस प्रकार के अनैतिक कार्यों को करने वाली महिलाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। बने रहे हमारे चैनल ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के साथ। हमीरपुर से आशीष निगम की रिपोर्ट। नहीं कर रही पुलिस कार्रवाई, अति रहा है तो था साइन सब की करवा के ले गया और कुछ नहीं किया। 15-20 दिन हो गए। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अभी भी आई है? बुलाया है आप लोगों ने? हाँ बुलाया है, जब जान दो तीन चार बार फोन, एक बार और पुलिस आई थी तो कुछ नहीं किया था उन्हीं की। इन लोगों को संरक्षण कौन देता है? कौन देता है इन लोगों को? पहरा, इनका हस्बैंड। नहीं, क्या इन लोगों को कोई संरक्षण देता है? अपने अपने यहाँ करती है। अरे उनके नाम ना बता, सबके नाम।